हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डेल इंडियाज किचन में। हमारी आज की रेसिपी साउथ इंडिया की मशहूर रेसिपी में से एक है। आज हम बनाने जा रहे हैं रवा उत्पम। रवा उत्पम एक बहुत ही पॉपुलर डोसे की वैरायटी है। इसे हम सूजी से बनाते हैं और उसमें कुछ वेजिटेबल्स एज टॉपिंग्स डालते हैं, जिससे ये बहुत हेल्दी होता है और साथ ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और अच्छी बात तो ये है, हमें इसे फर्मेंट होने के लिए नहीं रखना पड़ता, इसे हम झटपट बना सकते हैं। तो जब भी आपका कुछ अच्छा खाने का मन करे तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो आइए रवा उत्पम बनाना शुरू करते हैं। पहले इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, 1/2 कप दही, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, तेल और नमक स्वाद अनुसार। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बोल में सूजी डाल रही हूँ और इसमें अब मैं दही डाल रही हूँ। अब हम दोनों को अच्छे से मिला देंगे, साथ ही साथ थोड़ा पानी भी ऐड कर लेंगे, जिससे अच्छा सा एक स्मूथ बैटर तैयार हो जाए, बिल्कुल ऐसे। थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ मैं अब। तो इसमें अराउंड मैंने 1/2 कप पानी यूज़ कर लिया है और कंसिस्टेंसी ये है जैसी आपको दिख रही है। अब इसमें नमक डाला है, चिली फ्लेक्स। अब चिली फ्लेक्स बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और इन्हें अच्छे से मिला देंगे। अब इसको हम ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी वेजिटेबल टॉपिंग्स तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक प्लेट ली है मैंने, उसमें प्याज ऐड डाला है, टमाटर, उसके बाद शिमला मिर्च। सारी सब्जियों को मैंने बहुत बारीक काटा है, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब हरी मिर्च, हरा धनिया, अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ मैं। नमक हमें कम ही ऐड करना है क्योंकि हमने बैटर में भी नमक डाला है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे हमारी टॉपिंग बनके तैयार है। अब 15 मिनट हो चुके हैं, हम अपने बैटर को देख लेते हैं। तो देखिए सूजी इसमें फूल गई है अच्छे से और बैटर गाढ़ा हो चुका है पहले से। अब इसे हम अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिला देंगे। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद हमें ज़्यादा अच्छे से फेंटना है इसको। अब एक तवा लिया है मैंने, उसे गर्म करने रख दिया है और उस पर अब मैं तेल डालूंगी और अच्छी तरह से इसे फैला दूंगी पूरे तवे पे, बिल्कुल ऐसे। अब गरम तवे पे हम ये बैटर डालेंगे और इसे अच्छे से फैलाएंगे, बहुत आराम से, टूटे ना ये। अब इस पे हम अपनी वेजिटेबल्स टॉपिंग डालेंगे। इसे हाथों से अच्छे से फैला रही हूँ मैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे। अब इसे हल्का मैंने दबा रही हूँ। गैस मैंने मीडियम रखी है और इसे अब ढककर हम 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक करेंगे, ताकि सारी सब्जियां भी अच्छे से कुक हो जाएं।
अब इसे हम थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगाएंगे। और इसे हम पलट देंगे। ये देखिए नीचे से बहुत अच्छे से सिक चुका है, बहुत क्रिस्पी भी हो गया है ये। अब इसको हम ऐसे ही नीचे से सेक लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से हमारा उत्पम पक चुका है और उसका कलर भी कितना सुंदर लग रहा है। अब इसे प्लेट पे निकाल लेंगे। अब इसी तरह से मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। हमने तेल डाला तवे पे और अब बैटर डालेंगे। अब इस पे हम वापस से टॉपिंग्स डालेंगे अपनी और अच्छे से इसे फैला देंगे। थोड़ा थोड़ा अच्छे से प्रेस कर देंगे ऊपर। ऐसे ही मैंने पलट लिया इसको। ये देखिए ये भी हमारा बनके तैयार है। इसे भी हम प्लेट पे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा रवा उत्तपम बनके तैयार है। अब इसे हम हरी चटनी, कोकोनट चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। होप यू लाइक इट। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अब फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।